कभी कहीं कुछ के लिए, कि कभी कहीं कुछ के लिए जी लो कभी खुद के लिए, कोई हो ना हो साथ तुम्हारे, कोई हो ना हो साथ तुम्हारे, तुम रहो सदा सबके लिए, तुम रहो सदा सबके लिए। हेलो एवरीवन, मैं ऐश्वर्या आप सबके समक्ष अपनी कुछ कविताएं प्रस्तुत करने जा रही हूँ, तो जरा गौर फरमाइएगा। मेरी पहली कविता है याद उसे भी आती होगी। जैसा कि ये सुनकर आप लोगों को लग रहा है अभी उस याद की बात नहीं चल रही है, यहाँ एक सैनिक का अपने वतन के प्रति भाव है, तो सुनिएगा कि याद उसे भी आती होगी, याद उसे भी आती होगी, कभी बहन कभी बेटी की चिंता सताती होगी, कि याद उसे भी आती होगी, कभी बहन कभी बेटी की चिंता सताती होगी, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं अब, माँ बाप बूढ़े हो गए हैं अब, उनकी आंखें उसे बुलाती होंगी, ये सोचकर आंख उसकी भी भराती होंगी, याद उसे भी आती होंगी, याद उसे भी आती होंगी। पत्नी से मिलने की चाह की, पत्नी से मिलने की चाह उसे कई रात जगाती होंगी, उसकी हंसी उसे हंसाती होंगी, देखने को फिर उसे आंखें उसकी प्यासी होंगी, ये सोच कर आंख उसकी भी भराती होंगी, याद उसे भी आती होंगी, याद उसे भी आती होंगी। कि गांव की वो गलिया, गांव की वो गलिया, गेहूं की बालिया कोई नया गीत सुनाती होंगी, गांव की वो गलिया गेहूं की बालिया कोई नया गीत सुनाती होंगी, घूम आता होगा वो ख्यालों में, कि घूम आता होगा वो ख्यालों में, अतीत की यादें जहां ले जाती होंगी, ये सोचकर आंख उसकी भी भराती होंगी, याद उसे भी आती होंगी, याद उसे भी आती होगी। कि धन्य वो भूमि होगी, धन्य वो भूमि होगी जहां उसकी आह समाई होगी, तिरंगे में लिपटकर भेंट उसने चढ़ाई होगी, और भारत माँ के लाल ने वीर गति पाई होगी, तब याद कर अपनी माँ को आंख उसकी भी भर आई होंगी, याद उसे भी आई होंगी, याद उसे भी आई होंगी। जैसा कि निर्देश था कि मैं एक देशभक्ति से परिपूर्ण कविता सुनाऊं, जो कि मैंने सुना थी, पर मुझे तो आप सबकी भावनाओं का भी ख्याल करना है, तो मेरी अगली कविता सुनिए जिसका शीर्षक है प्यार की बातें। इस बार आप बिल्कुल सही है, ये वही वाला प्यार है जिसे आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं। तो सुनिए कि अनजान थी मैं जिससे, अनजान थी मैं जिससे वो खुद में मुझे बसाया करता था, कि अनजान थी मैं जिससे वो खुद में मुझे बसाया करता था, बिना कुछ रहे वो यादें बनाया करता था, खामोशी से वो अपनी क्या कहता, खामोशी से अपनी वो क्या कहता, दिल मेरा कुछ ना बताया करता था, प्यार की बातें वो मुझे प्यार से समझाया करता था, देखा उसे पर जाना नहीं, देखा उसे पर जाना नहीं, न जाने वो कितना कुछ छुपाया करता था, मेरी हंसी में वो अपना दर्द बहाया करता था, प्यार की बातें वो मुझे प्यार से समझाया करता था, एहसास नहीं वो कब आया, एहसास नहीं वो कब आया, शायद दूर से ही रिश्ता निभाया करता था, मैं हूँ या नहीं उसकी ये सवाल उसे सताया करता था, प्यार की बातें वो मुझे प्यार से। इस कविता को सुनने के बाद आप ये तो समझ गए होंगे लड़कियां बहुत कंफ्यूज होती हैं, उन्हें लड़के बहुत तरह से अच्छे लगते हैं, पर कैसे अच्छे लगते हैं उन्हें खुद ही पता नहीं होता है। इस मामले में लड़कों का बहुत सीधा है, वो सीधे मतलब भूले नहीं, सीधे मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधे निष्कर्ष पर आ जाते हैं, इसलिए उनका भी सोचना जरूरी है। तो अगली कविता उनके लिए कि ना मिलाना उनसे, ना मिलाना उनसे जिनसे दिल मिलता नहीं, कि ना मिलाना उनसे जिनसे दिल मिलता नहीं, उम्र तन्हा ही सही साथ ना दे पाए वो, साथ ना दे पाए वो इसमें कसूर उनका नहीं, बेबाक सी हसरते तो हमारी है, गुनाह उनका तो कुछ भी नहीं, गुनाह उनका तो कुछ भी नहीं। कि क्यों आए वो जीवन में, क्यों आए वो जीवन में साजिश तुम्हारी तो नहीं, अब भी छीन ले उसे ऐ खुदा, अब भी छीन ले उसे ऐ खुदा रिश्ता जिनसे महज कुछ भी नहीं, कि बेबाक सी हसरतें तो हमारी है, गुनाह उनका तो कुछ भी नहीं, गुनाह उनका तो कुछ भी नहीं। अगली लाइन पे जरा गौर फरमाइएगा कि पल दो पल की ठिठोलियों से, पल दो पल की ठिठोलियों से हर्ष कुछ भी नहीं, मोह के रिश्ते का यह अंत ही सही, कि मोह के रिश्ते का यह अंत ही सही,
तकदीर में हमारी हुआ वो, लड़के थोड़ा ध्यान से सुने कि तकदीर में हमारी हुआ वो रिश्ता, तब भी सही रिश्ता अब भी सही, क्योंकि बेबाक सी हसरतें तो हमारी है, गुनाह उनका तो कुछ भी नहीं, गुनाह उनका क्या। सड़कों का ऐसा है, तू नहीं कोई और सही, तू नहीं कोई और सही, कोई और नहीं कोई और सही है। हंसी मजाक की बातें तो चलती रहेगी। हम सभी का जीवन में कोई ना कोई लक्ष्य होता है, जैसे आधा पेट में ले लेते हैं, कुछ ना कोई लक्ष्य लेकर तो आए ही है, कोई इंटर्नशिप कर रहा है, कोई पीएचडी कर रहा है, भले उसकी शिद्दत से वो हो नहीं पा रहे थे ये बात अलग है, पर करने तो आए हैं। तो जिस भी हम लक्ष्य का चुनाव करते हैं उस तक पहुँचने में पथ का बहुत बड़ा योगदान होता है। तो उस पथ के ऊपर मेरी अंतिम कविता है, उसके पहले मैं अटल जी की चार पंक्तियाँ सुनाना चाहूंगी कि हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता हूँ, मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। तो सुनिएगा मेरी अंतिम कविता जिसका शीर्षक है यह विजय पथ तेरा हो, कि जब हर तरफ अंधेरा हो, कि जब हर तरफ अंधेरा हो पर तू डट के खड़ा हो, चीरने इस तंबू पर सूरज तू अकेला हो, यह विजय पथ तेरा हो, यह विजय पथ तेरा हो, कि डर मत, कि डर मत जीवन से चल कर्म कर, कि डर मत जीवन से चल कर्म कर, मुश्किलों के सागर में उम्मीदों का बसेरा हो, यह विजय पथ तेरा हो, यह विजय पथ तेरा हो। आसान नहीं जयकार तेरा, कि आसान नहीं जयकार तेरा, यहाँ है मैं पथ पथरीला, कठिनाइयों का लगा है मेला, पर थाम संयम, बांध संकल्प की बेला, बढ़ चल तू वीर अकेला, तब 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 निश्चित ही यह विजय पथ तेरा, निश्चित ही यह विजय पथ तेरा। बहुत बहुत धन्यवाद।